नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिवाकर पांडे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज। रावण, लंकेश रावण, दशानन रावण, आपने सुना होगा कि रावण प्रकांड विद्वान थे। अपने शिव भक्ति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। कुछ दिनों पहले विजयदशमी पर पूरे देश में जहां रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, वही आज हम आपको ऐसे इतिहास से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ओर जहां विजयदशमी पर रावण दहन हुआ, वही दूसरी ओर बिहार के किशनगंज जिले में रावण की पूजा की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 70% से अधिक मुस्लिम बहुल जिले में लंकेश्वर रावण की पूजा उनके मंदिर में विभिन्न संप्रदाय के द्वारा की जाती है। आप जानते होंगे कि किशनगंज जिले का इतिहास महाभारत काल से रहा है, लेकिन ऋषि कुल में जन्मे प्रकांड शिव भक्त रावण के मंदिर से भी एक विशिष्ट पहचान दिखाई देती है। ये मंदिर जिले के कोचा दहामन प्रखंड स्थित काशीबाड़ी गांव में स्थित है, जहां ग्रामीणों द्वारा अन्य देवी देवताओं के साथ लंकेश्वर रावण की भी पूजा और आरती होती है। ग्रामीणों का कहना है कि रावण की पूजा करने से मन्नत पूरी होती है, हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। वही मंदिर के पुजारी ज्योतिष राम का कहना है कि एक दिन उनके सपने में रावण आए और मंदिर स्थापना की प्रेरणा दी, जिसके बाद मंदिर निर्माण कर मूर्ति स्थापित किया गया। उसके बाद से वर्षों से पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे ही तमाम बड़े जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग न्यूज। इसकी सृजन हमने किए कि इनकी पूजा कर रहे हैं। जो आदमी अपना दिल से इसको मनोका करते हैं उनकी पूर्ण होते हैं, इसलिए कि उसकी मान्यता किया जाता है। वो हुआ शिव शंकर। गाँव वाला सहमत है, गाँव वाला से पूछ करके उठाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा विद्वान था, क्या बात है। धर्म में नहीं तो कर्म में नहीं, जिसके अंदर धर्म है तो उसके कर्म है। अपना धर्म को बचाए संसार ठीक है। अब 5 साल से ये पूजा चल रही है, 5 साल से। और ये सारा मंदिर जो है ये 5 साल से 6 साल से उत्पन्न किया गया है। आखिर आपके मन में कैसे आया कि रावण का भी मंदिर होना चाहिए? ये भगवान की इच्छा हुआ, मेरी आत्मा के अंदर में ये ने बसे। मुझे सपना हुआ कि मेरे सृजन कीजिए, ये सपना ही को अपना बनाया गया, ये किसी की कहलाम पर नहीं। तो जो ये रावण का मंदिर है तो यहाँ कोई पूजा करने आते भी हैं? हाँ, पब्लिक लोग आते हैं, पब्लिक लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं यहाँ पर रावण को मानने वाले? कितने लोग हैं? बहुत आदमी हैं। जब मानने जब आते हैं तो सब आदमी आते हैं, हर देवताओं की पूजा कर रहे हैं। शिवराती में, जलढली में, यहाँ मेला थोड़ा लगते हैं सोमवारी सब में। रावण का मंदिर का क्या मान्यता है, क्यों बनाया यहाँ पर आप? सिर्फ आत्मा के लिए, जो हमको इसे ने सपनाया कि मेरा भी सृजन करो, जब सबको किए तो मेरा भी सृजन करो, अगर सृजन करो तुम सुखी चैन रहोगे, इसलिए हम। कितना फायदा पहुंचा आपका रावण का मंदिर जब से बनाए हैं आप? जब से बनाए हैं तब से एक मुट्ठी दाना खाते हुए जा रहे हैं, अपना रोजी रोटी में बरकत है, अपने खाते पीते जा रहे हैं। जो इस गाँव के लोग यहाँ आते हैं पूजा, उन लोगों को भी सफल होते हैं। जो किसी मनोका लेकर आते हैं, कोई मंत्री मिन्नत करते हैं, तुम किसी मिन्नत करते हैं उनको भी आशा पूर्ण होता है। क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योतिष लाल, काशीबाड़ी, किशनगंज जिले के कोचा धामन प्रखंड के कोचा धामन। बहुत दूर दूर से आदमी आता है गाड़ी लेकर के, मन्नत मानने आता है, उसका पूरा हो जाता है, तो पाठा भी यहाँ पर चढ़ता है, जिसका जो फायदा होती है ऐसा ही वो आती है। और बहुत दूर से आता है, कनियाबाड़ी, बुरी मारी, झाटी बाड़ी, जहाँ जहाँ हिंदू है बहुत दूर से आता है, कभी पूर्णिया से भी लोग आ जाता है। तो एक तरफ रावण को जलाया जाता है? नहीं, यहाँ रावण नहीं जलाया जाता है, यहाँ रावण को मानता है, बना हुआ है। रावण को इसलिए मानता है कि उसको फायदा है उससे, इसलिए रावण को मानता है। और हिंदुस्तान में रावण को बहुत बढ़िया से मान खातिर होता है। ये जो रावण को जलाया जाता है, कहाँ, बंगाल, बंगाल का तरफ है ना, उधर जला देता है। और हिंदुस्तान में रावण को नहीं जलाता है,
इसका मान बहुत अच्छा है, मुसलमान को भी फायदा होती है। अच्छा हाँ, एक मिनट एक मिनट, मुसलमान का कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो आते है, दूर से अगर दुआ मांग लेता है तो बच्चा भी ठीक हो जाता है। कहाँ पर आता है? यही रावण के मंदिर। हाँ, दूर से मान लेते हैं कि मेरा बच्चा का तबीयत खराब हो गया है थोड़ा सा। आप एक मुसलमान है तो आप भी रावण को मानती हैं? मानती हैं, घर में बाल बच्चा है तो मानता पड़ता है। अच्छा। आके अगर खिलाता है कुछ, अगर कोई दोषी कर देता है, अगर उसको कोई तबीयत खराब हो जाता है तो माफी मांगते हैं तो बच्चा भी सही हो जाता है। आपका मन्नत पूरा हुआ? हाँ, मन्नत तो हम लोग का पूरा है कि मेरा नाती बचने वाला नहीं था, मगर यहाँ दुआ मांगी तो मेरा नाती बच गया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नजरुन्निसा। हाथ नीचे कर। सारे लोग जो है आज रावण का पुतला दहन कर रहे हैं और आप लोग जो है यहाँ पूजा कर रहे हैं, क्या है? बढ़िया है सर, इतना बढ़िया है, सबका भला होता है, मन्नत मांगने आता है तो सबका भला होता है, तभी तो रावण को यहाँ पर रखा गया है। रखा गया इसलिए हम लोग रावण को जलाते नहीं, रावण हम लोग को भला किया है तो इसलिए हम लोग रावण को नहीं जलाते। सब मन्नत मांगती है तो रावण हम लोग का भलाई करता है। कितने लोग हैं इस गांव में जो पूजा करते हैं? बहुत आदमी है, इतने आदमी है, कितना आदमी का गिनती दीजिएगा। ये पूरा गांव जो है, पूरा गांव यहाँ पर सब पूजा करता है इसका, सब आदमी पूजा करता है, सब जो मन्नत मांगता है वो सबका भलाई करता है। तो कब उत्सव कब होता है, रावण का उत्सव कब मनाया जाता है? रावण का जब पाबंदी आता है तभी पूजा किया जाता है, सुबह शाम पूजा किया जाता है, सबका वो भलाई किया है तो भलाई होता है तो भलाई एक तरफ लिए। एक तरफ जहां पूरे देश में आज रावण दहन का दिन है, लोग जो है विजयदशमी के रूप में मना रहे हैं और जो रावण है, मेघनाथ है और असुर है, उन सब का जो है पुतला दहन किया जाता है। हम लोग नहीं किए थे। नहीं करते जी, नहीं करते क्योंकि हम रावण को मानते हैं, रावण हम लोग को भलाई करता है, रावण को हम लोग मानते हैं तो रावण को हम लोग रखे हैं, इसलिए हम लोग रावण को हम नहीं जलाते हैं। कब से पूजा करी आप लोग रावण? करीब ऐसा ही होगा 5-6 साल हुआ। पहले रावण का पूजा यहाँ नहीं होता था? पहले नहीं होता था, जब से इसको बनाया गया है, जब से पूजा किए हैं तब से वो देख के भलाई होता है, तब से हम लोग रावण को नहीं जलाते हैं। क्या नाम है आपका? पार्वती देवी।